pee, pee, pee. Good boy! Eat. Good boy! Good morning, everyone. अच्छी नींद आ गई यार। ये वाले जो साइड के रूम है ना, लेफ्ट वाले, जो ये छोटा स्टडी रूम जो मेरा स्टूडियो, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। लेकिन जो वो वाला रूम है जहाँ पे मेन बाथरूम मास्टर बेडरूम, उस पे सनलाइट नहीं आती। तो आई लाइक दिस रूम अलॉट। उठते ही सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। 11 बज रहे हैं इस समय और नीचे कीचड़ दबे की आवाज़ आ रही है मुझे। गुड मॉर्निंग। हमारे घर में भूत रखी है हमने एक सैलरी पे, जो कि मेरे लिए लाई थी नाइट सूट और खुद पहन के घूम रही है। इसकी स्ट्रैटेजी ये होती है, पता है ये ना, ये सामान स्टडिंग स्ट्रैटेजी, सो आई एम इंप्लाइंग इट। ये ना सामान अपने मेरे लिए लाती है कि अज्जू देखो तुम्हारे लिए नाइट सूट लाई हूं। उसके बाद दो बार मैंने पहना, उसके बाद अपने आप गायब हो जाता है, वो मिलती नहीं चीज। अभी ना मैं सोच रही अभी बस बैठी थी और मेरे को आवाज आई कि अर्जुन उठ गए ऊपर, यहां घर में पता चल जाता है कौन कहां क्या कर रहा है। तो मैं जैसे ही बैठी थी, मैंने कहा अर्जुन नीचे आएंगे तो नाइट सूट देखेंगे, बोलेंगे अच्छा तूने ये भी ले लिया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था। सही खेल गई ना, कमेंट कर दो। और इसको देखो, मैं पता किस चीज़ से उठाऊँ, इसने इसको कोई चीज़ गिराई थी ना इसने, फिर तूने बोला क्या कर रहे हो खींचू, तब उठाऊंगा। क्या करना फिर? टेस्को पे 25% की ऑफ है, कितने घर का सामान ले आते। मैंने कब दिया, झूठ इतनी बोल रही है ना। तू क्यों हंस रहा है? पूछा क्या करना फिर, चलना है कहीं? टेस्को पे 25% की छूट है, चलो शॉपिंग करने। घर का सामान ले आते, लेक घुमाते, पांच छह केले। जो भी लोग ऐसे प्लान करें ना बाहर आने का, ये सबसे एक्साइटिंग चीज होगी आपके लिए, जब आप यहाँ आके रहोगे ना कि अच्छा टेस्को चले, सेंसवे चले, या वो कौन सा मॉरिसन्स। हाँ जी। अरे हाँ गाइस, वैसे तो मैं आपको बता दूँ हमारी लाइफ यहाँ पे कैसी है। तो फिलहाल वैसे जैसे सुना है मैंने कि दिल्ली में लॉकडाउन होने वाला है, तो आप समझो कि दिल्ली अगर परपेचुअली लॉकडाउन में चला जाए तो वैसी, हाँ हमेशा के लिए लॉकडाउन में, तो वैसी लाइफ आपकी यहाँ पे यूके या कनाडा जैसी कंट्रीज में होती है। मतलब क्या आप समझाओ? इसका मतलब ये है कि हमें लगता है ना कि अरे यार क्या जबरदस्त जिंदगी होगी, है ना? तो अच्छा है, ठीक है, हवा बहुत साफ है, बहुत बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन वो जो ईज ऑफ लाइफ होती है ना कि यू नो, जैसे हमारे इंडिया में हम जब रहते हैं, जैसे बॉम्बे में भी था, मैं दिल्ली में भी था, तो काम वाली दीदी आती थी, वो झाड़ू के लिए एक अलग आती थी, बर्तन के लिए अलग, एक भैया रखे होते कुक हमने जब बॉम्बे में थे, फिर दिल्ली में थे तो एक आंटी आती थी खाना बनाने के लिए। तो वो जो ईज ऑफ लाइफ है ना, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। तो वो आप समझो कि आपको ऐसा लगेगा अगर बाहर आओगे ना, आपको कुछ पहले 2 साल तो ऐसा लगेगा कि आप लॉकडाउन में हो, ठीक है? अभी खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी। हम रोज सोचते हैं कि अभी थोड़ी आदत पड़ जाएगी या तो हमको, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी तो 8-9 महीने बच्चे हैं हमारे, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन वही है कि हमें खुद ही करना पड़ेगा और वी हैव टू बी कंफर्टेबल डूइंग दैट, अदरवाइज कोई और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उसका। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, एक नेक्स्ट लेवल का आपको पैसा कमाना पड़ेगा अगर आपको घर में हाउस हेल्प रखनी है। यहाँ पे गूंद चुका है आटा, क्या बना रही है? गोभी के पराठे। Thank you. Watermelon.
watermelon. मैं कल वाला व्लॉग एडिट कर रहा हूँ उस समय. क्या टाइम क्या हो रहा है? 12:30 बजे हैं और 4:15 बजे यहाँ के टाइम के हिसाब से मुझे एक्सपोर्ट करना है, उसको अपलोड करना. तो दिव्या अभी मेरे पास जूस दे के गई है, मैं पी रहा हूँ उसको. एक्चुअली आज मैं सुबह से कुछ खा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स और इस डाइट पे जा रहा हूँ. थोड़ा सा मेरे को ऐसे लाइट खाने का मन था, जैसे हैवी हैवी खाने का मन नहीं था, क्योंकि कल रात को हमने डोसा वोसा खाया था तो मज़ा आ गया, लेकिन थोड़ा हैवी हो गया था. तो वो पेपर डोसा मंगवाया था मैंने, वो बहुत लंबा होता है, मतलब 2 डोसे के बराबर होता है वो, तो वो खाया था. एनीवे एडिट शुरू कर लेते हैं जल्दी से भैया. अब सनशाइन माय सनशाइन विद यस पावर प्लीज पावर माय सनशाइन विद द सनशाइन पावर प्लीज पावर. अच्छा की चुप लो. दादा दादी नाना नानी दादा नानी दादा दादा दादी दादी नाना नाना नानी नानी पापा नानी क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा नानी कैसे करती है बता दो. नानी ऐसे करती है. Yes, nani. Yes, finally. Dada. अच्छा, आप बताओ, बोलो रिता. दीदी. दीदी, अच्छा. हाँ, ऐसे करती है रिता. ये रिता और इसकी कोड लैंग्वेज है. और बताओ, बोलो मामा. मामा. मामी. मामी. चाचा. बाऊ. चाचा. बाऊ. चाचा के साथ कौन होता है? विंटर. विंटर कैसे करते हैं? यस. अच्छा बोलो चाचा. चाचा की जगह वो भाव भाव कर रहा है क्योंकि उसको पता है चाचा के साथ हमेशा विंटर होता है. आई लव अलग क्या हो गया? व्लॉग एडिट हो चुका है, अपलोड कर दिया मैंने और शॉर्ट्स भी अब बना दिया उसका. तो अर्ली एक्सेस जिसने वो शॉर्ट देखा होगा उसको तो सीक्रेट लिंक मिल जाएगा. एनीवे मैं नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं खींचू क्या करना है. जहाँ जहाँ लॉक नहीं तेरे को सब पता है ना, आ जा. क्या करेगा वहाँ जाके? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ. 1 2 3 हेलो ब्रदर. 1 2 3 हेलो ब्रदर. किचु मामा को पारी कर दो. सोशल डिस्टेंसिंग में आजकल ऐसी पारी मिल रही है. थैंक यू. ओले 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 ओले. किचु का ना दूध खत्म हो गया तो हमने सोचा थोड़ा आसपास थोड़ा सा चल के जाते हैं, बाहर की थोड़ी फ्रेश हवा भी देते हैं इसको, क्योंकि घर पे ही है कल से. कुछ जा रहा देखो. कहाँ? उठा मत यार, उठा क्यों रही है? खाली है. मेरे को देखो जिंदा है. तो तुम जिंदा भी हो तो तुम उठा लेते तो क्या होता है? तेरा सही है. दिखा दिखा दिखा. हाँ. क्या तक किसान? तो शेल है स्नेल का. साइकिल चलानी है क्या? चलो पीछे निकलो इधर से. इसको लग रहा है कि कर लो दुनिया उठे हुए, बस भाग भाग लिया है, हर चीज़ जा जा के चू रहा है. तो आज वेंसडे है तो वेंसडे को फूड ट्रक्स लगते हैं, तो हम वही देख रहे थे. काफ़ी सब कुछ यहाँ पे हलचल चल रही है, काफ़ी भीड़ भड़का है, तो हो सकता है इधर से हम लोग कुछ खाने के लिए भी ले लें. कीचू अपने अलग रास्ते पर निकल चुका है. यहाँ पे आइस स्केटिंग चल रही है भाई, मैं पता ही नहीं था. बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी में ही. वो जो आइस स्केटिंग है ना वो फ्री है, फ्री में कर सकते हैं. दूध ले लें सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट जो लेने आए. कहीं से हमने कुछ पिकअप कर लिया खाने का और हम बाहर खा रहे हैं आज.
यहाँ पे बैठ के कीचू के लिए भी कुछ ले लिया, मेरे लिए भी राइस और करी ले लिया और दूध भी उठा लिया। सोचा कि आज थोड़ा धूप बहुत अच्छी पड़ रही है तो सोचा बाहर ही बैठ के खा लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है। कीचू हैंग हो गया करे, फ्राइज गोल कैसे हैं? खींच के उसने लंबा कर दिया। बस धूप का लुत्फ उठा रहे हैं और थोड़ी बहुत फोटोज खींच ली क्योंकि लाइटिंग इतनी सुंदर आ रही है ना, ऐसे गोल्डन गोल्डन फील आ रहा है। फोटोज ले लिए, हो सकता है थंबनेल में डाल दें, इंस्टा पे तो डाली देंगे। कीचू का खत्म नहीं होगा खाना, वो खा रहा है अभी भी। उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर, दूध पिला के उसको सलाएंगे और पियेंगे अच्छी सी चाय। हम सब लोग अभी 2.5-3 घंटे की इवनिंग नैप ली है, जगराता तो होगा ही रात को, लेकिन थोड़ा सा ऐसे आराम महसूस हो रहा है। नींद के बाद जो आराम आता है ना, एक ऐसे लगता है कि अरे यार रिलैक्स हो गया वो माइंड और बॉडी। आज फिर मैंने ब्लॉग लेट पब्लिश किया, पता क्यों? मैं सोफे पे बैठा हूँ नीचे यहाँ पे 4 बजे, और बैठे बैठे मैं ऐसे लेटा हुआ था, आँख लग गई, आँख खुली 4:30 बजे। 4:30 बजे दिखा नहीं कर रहे यार, ब्लॉग नहीं अब पब्लिश किया, तो फिर पब्लिश करके फिर सोया, वापस सो गया ऊपर जाके रूम में। तो कीचू यहाँ मेरी गोदी में बैठ के खा रहा है। दिव्या इज मेकिंग, व्हाट आर यू मेकिंग? बैगन भाजा और आलू की सब्जी, दाल चावल। डिनर रेडी हो रहा है, बंगाली सब्जी बन रही है। जितने बार भी बोल रहे हैं अरे भक्त में हंसी आती है, अब तक बोल नहीं हुआ इससे। चढ़ गया भाई, चढ़ गया पापा। हम लोग निकल रहे हैं टेस्को के लिए, सामान खत्म हो गया, 25% की छूट, कोई छूट नहीं है, बहुत पंगे ले लिए आज कल। टेस्को 25% की छूट है, वहाँ चल लेते हैं। वीकेंड का प्लान क्या है? कीचू कहाँ जा रहे हो तुम? शॉपिंग डन। फुल एक्साइटेड है। कीचू महाराज ने बोला कि मैं पहले पापा को देखूंगा, मुझे उतारो कार सीट से। 11 बज रहे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। मैं एक्चुअली बीच में रुका था टेस्को, जो वहाँ पे पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे डीजल भराने के लिए और हवा, लेकिन वो जो पे एट काउंटर होता है वो क्लोज़ हो चुका था। तो वहाँ पे ना वो कहते हैं कार्ड डाल के आप फिर भी डीजल भर सकते हो, लेकिन मेरे पास कार्ड था नहीं, मैं मोस्टली फ़ोन से करता हूँ, तो अभी मैं भरवा नहीं पाया, कल जाऊँगा भरवाने डीजल इसमें। अभी चलते हैं घर, खाना वाना खा के लगते हैं एडिट के ऊपर। यूके में कोलकाता बना हुआ आलू मूली भाजा, दाल बंगाली दाल, और ये हो रहा है बैगन भाजा। क्या बात है, फ्रॉम द वेस्ट किचन। ये हमारे कीचू, इसकी एक्टिंग ही रहती कैमरा ऑन होते ही। तो भाई साहब वक्त आ चुका है कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर ले। कीचू भी बैठ चुका है यहाँ पे, मैं भी बैठ चुका हूँ, और मैडम भी आ रही है। हप्पा बोलता है मतलब गरम, मेरा बहुत फेवरेट खाना है बंगाली। वाह, ये आलू
सही लग रहे हैं यार, बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं। बंगाली खाना हाथ से ही खाते हैं। ये देखो खिचू भी हाथ से ही खा रहे हैं। मैं नहीं खा रहा, बस हाथ से। चाय रेडी हो चुकी है यहाँ पे, ग्रीन टी दिव्या के लिए। ये मेरी चाय हो रहा है सुबह 3:15 सुबह की। व्लॉग मेरा यहाँ पे एडिट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बस मैं इसको एक्सपोर्ट करके फिर शॉर्ट्स वाला ट्रेलर बनाऊंगा, और ताकि वो सीक्रेट लिंक दे सकूं, उसके बाद फिर पब्लिश करके सो जाऊंगा। तो फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। सी यू टुमारो।